हमीरपुर के मैड़ गांव में राशन लेने जा रहे व्यक्ति से मारपीट करने पर पुलिस ने मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार पूर्व सैनिक कश्मीर सिंह जब घर से राशन लेने जा रहा था तो पड़ोसी ने जानलेवा हमला करके लहूलुहान कर दिया। पीड़ित कश्मीर सिंह ने बताया कि भोटा पुलिस चौकी में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही न होने पर आज SP हमीरपुर से गुहार लगाई, जिस पर हमीरपुर पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कश्मीर सिंह ने बताया कि आरोपी की एक आंख नहीं है, लेकिन फिर भी उसका गाड़ी का लाइसेंस बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बारे में 3 महीने पहले से RTO के पास भी शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि कश्मीर सिंह पिछले 3 दिनों से मारपीट के बाद कार्यवाही करने के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर अब गहरा रोष पनप रहा है। 12:30 बजे मैं राशन लेने के लिए सोसाइटी में गया था। एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, जिसकी एक आंख कम है, एक आंख अंधी है, दूसरी आंख की नज़र कम है, 20 बार वो एक्सीडेंट कर चुका है टैक्सी से, और टैक्सी परमिट भी नहीं है, बिना परमिट के नंबर चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। इस बारे में जब RTO को मैंने संज्ञान में लिया, RTO से बात की तो उनको लेटर दिया, उसको बार बार RTO बुलाने पर भी वो हाजिर नहीं हो रहा है। तो कल मैं उसकी फिल्म बना रहा था, इतने में उसने जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसका CCTV फुटेज मैड में दर्ज है, जो कल पुलिस बोटा पुलिस भी आई और उन्होंने CCTV को भी फुटेज को कवरेज किया, मेरी MLC बनी, मेरा सारा जबड़ा वगैरह सब उसने तोड़ दिया, अंदर से भी जख्म है। नंबर दो, इससे पहले वो 6 मई 2018 को मेरे ऊपर रात को बिजली काट करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था भीड़ तंत्र ने। उस कल ही उसने बताया कि 2 बार आप बच गए, 3री बार आप नहीं बचेंगे। मई महीने में ही मैंने SP को संज्ञान दी, लेटर पत्र दिया, CM को भी पत्र लिखा, सब SP साहब, मीना साहब जी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है कि आरोपियों की पहुंच ऊपर तक है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए कि हमीरपुर पुलिस सदैव जनता के साथ, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो जनता के साथ नहीं, दिखावा केवल, इनके कथनी और करनी में अंतर है, हकीकत में ये पैसे वालों के साथ है, साबित हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमीरपुर SSP उसका पंजीकरण रद्द करे, उस डॉक्टर के खिलाफ शिकंजा कसे जिसने उसको कानूनी लाइसेंस की एक आंख और दूसरी की कमजोर की वजह से जो है लाइसेंस बनवा के दिया। RTO से भी बात की है, पत्र है उनके साथ, RTO बोला हम शीघ्र इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने हो गए वो बंदा हाजिर नहीं हो रहा, और साबित हाजिर नहीं हो के उसने ये साबित कर दिया कि बाकिया ही मेरी एक आंख कमजोर है और दूसरी अंधी है, और ये है उसका सबूत जीता जाता। मेरे बार भी उसने एक बार एक्सीडेंट किया था, जब मैं उसकी टैक्सी इस्तेमाल की थी, मुझे नहीं था पता, तब उसने बताया था कि ये सब मेरी आंख की कमजोरी के कारण एक्सीडेंट हुआ।